हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें प्रदेश स्तर के नेताओं को उसमें शामिल किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, जिलाध्यक्षों के साथ इस दौरान उन्होंने एक बैठक की। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान धनखड़ ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल से पहले संगठन का विस्तार होगा। छह अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तो प्रदेश भर में स्थापना दिवस मनाना, उसके साथ कुछ संगठनात्मक लक्ष्य रखे हैं कि देश भर के सभी मंडलों का गठन हो जाना और उनका प्रशिक्षण हो जाना, जहां कम हो वहां सरकार सहारा देती है, एमएसपी लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन एमएसपी से ऊंचा मिले यही मनसा है, तो बाजार भी चाहिए और सरकार भी चाहिए। बाजार हाई रेट के लिए है, सरकार सुरक्षा के लिए है, गारंटी के लिए है कि कम से कम इतना तो मिल जाए, और इसलिए ये जो कानून है ये बाजार के मार्ग को खोलने के लिए है, इसलिए किसान के हक में है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले कांग्रेस अपना पर्दा उठाए, अपना नकाब उठाकर यहां से शुरू करें कि 6 वर्षों तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए कौन बैठा था, इसके लिए कांग्रेस पार्टी देश के किसानों से माफी मांगे। आज जो सीटू चिल्लाते हैं, उन्होंने कभी A2+FLB नहीं दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात के लिए किसानों से क्षमा मांगे कि मैं अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाया था, ये जगजाहिर बात है। देखिए, ये बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कई तरह के राज्यों में इस प्रकार के कानून आए हैं, तो इसकी जानकारी ठीक से तो सरकार के पास से मिलेगी आपको, क्योंकि सरकार का काम है कानून लेके आना, संगठन का नहीं है। लेकिन ऐसी चर्चा जो आगे बढ़ी है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कई राज्यों में इन कानूनों का जो है लाभ